हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे कचौरी, सत्तू की कचौरी। तो सबसे पहले हमने इसकी फिलिंग तैयार कर लेनी है। तो हमने ले लिया चना, भुना हुआ चना ले लिया, और इसको अभी घर पे पीस लेंगे। तो इससे सत्तू बना लेंगे हम। तो देखिए, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, और देखिए ऐसा पाउडर जैसा बना लिया इसको। तो इसको अभी एक बाउल में निकाल लेते हैं। और अब हम इसमें 6-7 हरी मिर्ची डाल ली, और एक इंच अदरक का टुकड़ा डाल लिया, और 6-7 मैंने लहसुन डाल लिया। इसको पीस लेते हैं उसमें। उसके बाद इसको हमें भूनना है। तो इसके लिए हमने 2 चम्मच करीब हमने सरसों का तेल ले लिया, और इसमें ये मसाला जो हमने पीस लिया था वो डाल लेंगे। इससे क्या होता है कि ये कचौरी आप 2 से 3 दिन तक भी रख के खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगी। तो इसलिए हमने इसको इस मिर्ची और अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने भून लिया है। तो इसको अब हम फिलिंग में क्या क्या डालना है। तो हमने सबसे पहले अजवाइन डाल ली है, और स्वाद के अनुसार हमने नमक डाल लेना है, और इसमें डाल लेंगे अभी बारीक कटी हुई प्याज। तो 1 या 2 आप जो जैसा पसंद करते हैं तो आप वैसे उसका अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये डाली हमने हरी धनिया, और इसमें हमने जो भुना था ना मसाला वो डाल लेना अभी। तो इसमें हमने अब हींग डाल लेनी है। तो 1 चुटकी हमने हींग डाल लेनी है, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। और हमने 2 टेबल स्पून नींबू का रस डाल लिया है, और लास्ट में डाल लेंगे हम सरसों का तेल। 1 टेबल स्पून हमने सरसों का तेल डाल लिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारी फिलिंग तैयार है, और अभी आटा लगा लेते हैं। तो 1 कप मैंने मैदा ले लिया है, और 1 कप ही मैंने आटा ले लिया। अगर आप मैदा नहीं खाना चाहते तो आप आटा भी ले सकते हैं। और उसमें हमने डाल लिया है नमक, और डाल लिया हमने अजवाइन। ये मिक्स कर लेना है, और इसमें अब डाल लेंगे हम रिफाइंड। तो मोइन के लिए हमने रिफाइंड डाल लिया, तो 2 बड़े चम्मच हमने रिफाइंड डाल लिया है करके इसमें। तो हमें चेक कर लेना है कि जैसे मुट्ठी बन जाती है ना, तो वैसे बन जाए, तो मतलब मोइन सही डाला है। और इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने आटा गूंथ लिया। तो देखिए, इतना थोड़ा टाइट ही आटा बनाना है हमें, गूंथना है। और इसको हमने 20 मिनट तक के लिए रख लिया था। अब हम इसको कचौरी की शेप में बना लेते हैं। देखिए, हमें इतनी इसके आटा ले लेना है 1 बॉल, और इसको ऐसे साइड से दबा के बीच में हमने फिलिंग डाल लेनी है। तो सत्तू की जो हमने फिलिंग बनाई थी वो हम डाल लेंगे इसमें अभी। इसको साइड से ऐसे दबाते हुए बीच में गोल गोल करते हुए हमने कचौरी की शेप दे देनी है। देखिए, जो एक्स्ट्रा आटा है ना वो हमने निकाल लेना है, और इसको ऐसे गोल करके हल्का सा दबा के ऐसे चिपटा सा शेप दे देना है कचौरी वाला। तो इसी तरीके से हम सारी बना लेंगे, सारी कचौरियाँ ऐसे पहले ही भर के बना लेंगे इसी तरीके से। सारी कचौरी हमने बना ली है, अब इसको फ्राई करेंगे। तो 1 कढ़ाई रख ली है मैंने, और इसमें अब डाल लेंगे रिफाइंड ऑयल। तो तेल गर्म हो जाने देते हैं। तेल गर्म हो गया, अब इसमें हम डाल लेंगे कचौरियाँ। तो करीब हमने 3-4 डाल लेनी है एक बार में, और तो अंदर से हमें इसको अच्छे से धीरे धीरे कम आँच पर पकाना है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें पका लेना है। ऐसे देखिए कलर कितना बढ़िया आ गया है, और ऐसे बिल्कुल अंदर से ही पक चुकी है। तो ना ये हल्की फटने लग जाएंगी जैसे ऊपर से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पक गई है अंदर से भी। तो देखिए, अब इसको तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और खाने में तो और ही मज़े आ जाएंगे। तो आप इसको ट्रेन में भी ले जा सकते हैं, और आप ऐसे शाम को नाश्ते में भी बना सकते हैं।
इसको मैंने मिर्ची या फिर अचार के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं या फिर आलू की सब्ज़ी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो देखिए, तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।